गुड मॉर्निंग माय डियर, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम क्लास फोर वालों के लिए एक्सरसाइज 6.3 में आगे बढ़े। मैं सुने इसके पहले के सारे क्वेश्चन लग गए, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमसे पर्स नहीं व्हाट्सएप पे कमेंट कुछ और। अगर आइए क्वेश्चन नंबर 6, ए फैक्ट्री मेड द सेम लेंथ ऑफ वायर एवरी डे फॉर 35 कंसेक्यूटिव डे। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट मेड 92,050 मीटर ऑफ वायर। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर डेट द फैक्ट्री मेक एवरी डे। ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे माने डिवीजन करेंगे। बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवीजन करिए तो कितना है 2,630 मीटर। और आप डिवीजन करना सीख चुके हैं, आप पीछे रब पे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट डिवीजन करके लिखे या यहीं पर डिवीजन कर दीजिए। तो 2,630 मीटर, एक डी में इतना मीटर कपड़ा वायर बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 ए बढ़ते हैं। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 128 गेट 72 एज क्वेश्चन एंड 45 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हमारे से एक फार्मूला होता है, जब इस तरह से क्वेश्चन कहे कि रिक्वायर्ड नंबर ज्ञात करिए तो ये फार्मूला लर्न किए रहिएगा। ओके माइशन, ये फार्मूला लर्न किए रहिएगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में डिवीजन को इनटू करेंगे और 40, ठीक है, इंटू कर लीजिए पहले, फिर प्लस के 9,060। आई क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़े। फाइंड द बिगेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट डिविजिबल बाई 30। 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर 999। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा माइस्टर, डिविजिबल बाई 38। तो अब इस नंबर से इसमें डिवीजन करिए तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो वही आपका 9,994। यही वो रिक्वायर्ड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है जो 38 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी इससे इसमें डिवीजन देंगे तो रिमाइंडर जीरो चला जाएगा। ओके माइस्टर, तो जितना क्वेश्चन मैंने रब पे कराया फिर भी आप बता लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन होमवर्क बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं हो पाया उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम से, तो लीजिए मैडम 6.3 का 6 मैंने बता दिया, 7, 8 इसी तरह सेम टू सेम कर लीजिएगा, और 11, 10 का ए मैंने बता दिया, बी कर लीजिएगा 11, जब 10 की तरह 11 ही है, बस यहाँ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर रखना है, 1 लगा के 30। तो ए बी एकदम सेम टू सेम 10 की तरह है, बस इसमें ग्रेटेस्ट था, इसमें स्मॉलेस्ट के 1 लगा के 0 बढ़ाइए, ग्रेटेस्ट से 9 बढ़ाइए जितना कहें, और 9 का मैंने ए बता दिया, बी भी हो जाएगा माइनस 10। ओके भाई सेन, 9 का ए बता दें बी इसी तरह, और 8 का ए बी सी सेम टू सेम इसी तरह है माइनस 10। कुछ नहीं करना है आपको, इसी फॉर्मूले पे 9 की तरह रखना है, और जो दिया है रखे, जो नहीं देखो। ओके माइनस 10, और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो जाता है, और कल हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करें, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके माय फ्रेंड, तो जितना क्वेश्चन मैंने रब पे करा दिया फिर भी बता लीजिएगा, और एडवांस होमवर्क देने पहला दूसरा करिएगा, करने को आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे हम आपसे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट। ओके माय फ्रेंड, तो 7, 8, 9, 10 जितना क्वेश्चन मैंने रब पे कराया फिर भी बता लीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, जिन बच्चों के पास बुक है वो बाकी पार्ट क्वेश्चन में बुक से लगाएंगे, और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं पाया उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से होमवर्क दे दिया हूँ, बड़े पॉज करके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन सॉल्व। ओके मैडम, और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर नहीं भी, मैंने यहाँ हिंट दे दिया, सारे में डिवीजन करना है और कल। ओके मैडम, और इसी के साथ आज आपका एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो जाता है, और कल हम आपसे नेक्स्ट टाइम पे जब भी मिलेंगे एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करें। ओके मैडम, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल बेस्ट, सी यू टुमारो विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.4, एंड वंस अगेन जॉइन।